राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता महेश तापसे ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भिवंडी शहर के कार्यकर्ताओं के साथ मदद करने के उद्देश्य से स्वर्गीय इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के मुख्य अधिकारी डॉक्टर माधुरी पंडारे से मुलाकात कर पूरे हॉस्पिटल का दौरा किया और हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया। इस अवसर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भिवंडी शहर उपाध्यक्ष नामदेव अहिरे, महिला अध्यक्षा स्वाति कामले, युवा अध्यक्ष आसिफ खान, माजी कार्य अध्यक्ष प्रवीण पाटिल, आरिफ अलवी, माजी अध्यक्ष रऊफ मोतीवाला, रसूल खान, एडवोकेट फौजिया मर्चेंट डॉक्टर नियाज आजमी सहित भारी संख्या में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित थे। आइए देखें इसकी एक रिपोर्ट। भिवंडी शहर में स्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल, ये सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का दर्जा इसको उपलब्ध है। और ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेजरली जो हमारा भिवंडी शहर का नागरिक है या हाईवे पे किसी का एक्सीडेंट हुआ है वो, और मेटर्निटी वार्ड, ये तीन चीज़ों के लिए ज़्यादा जाना जाता है। आज ही मेरे ख्याल से मेडिकल सुपरिटेंडेंट के तौर पर डॉक्टर माधवी पांडरे, इन्होंने चार्ज लिया है। और एनसीपी की तरफ से हम यहाँ पे विजिट दे रहे हैं, हमारे साथ हमारे डॉक्टर सेल के भी पदाधिकारी है, डॉक्टर आजमी है, डॉक्टर अमोल है, तो मेडिकल एनसीपी का जो हमारा यूनिट है उसके माध्यम से भी हम यहाँ पे हम इन ये हॉस्पिटल को क्या मदद कर सकते हैं और उस मदद के माध्यम से जो रुग्ण है, जो पेशेंट्स हैं, उनको क्या अधिक की मदद हो सकती है, उस चीज़ के लिए हम यहाँ पे हैं। सबसे पहले दो तीन चीज़ों पर हमने जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट मैडम है इनसे बात की, हमने कहा कि यहाँ पे सफाई थोड़ी कम लगा रही है, मतलब जो हिसाब से सफाई हॉस्पिटल में होनी चाहिए वहाँ पे थोड़ी कमतरता है। तो उन्होंने इमीडिएटली एक्शन लेते हुए साफ़ सफाई के संदर्भ में जो प्राइवेट एजेंसी है उसको उन्होंने बोला कि मैंने बोला उनका बिल रोक दो अगर साफ़ सफाई नहीं होती है, तो ऐसे भी सजेशन दिया। दवाई के संदर्भ में कुछ लोगों की कंप्लेंट थी, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी है कि जहाँ पे जो माएँ बहनें यहाँ पे डिलीवरी के लिए आती हैं वो ये हॉस्पिटल के कामकाज से बहुत खुश है, ये सबसे ज़्यादा आनंद की बात है। हमने मेडिकल जो इनका मेटर्निटी वार्ड है वहाँ पर हमारी एडवोकेट मैडम भी जाकर आई और उन्होंने उनसे बात की लेडीज़ लोगों से और पूछा कि आपको कोई तकलीफ है क्या, तो उन्होंने बहुत सेटिस्फैक्ट्री बताया कि आईजीएम हॉस्पिटल में लगभग 300-350 डिलीवरी हर महीने, मतलब सिविल हॉस्पिटल में जितनी डिलीवरी थाना में होती है लगभग उसी तादाद में आज आईजीएम हॉस्पिटल में भिवंडी में भी डिलीवरी हो रही है, ऐसा उन्होंने बताया। तो और दो समस्या ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के निकट के अनुसार और अपनी लोक संख्या के निकट के अनुसार ये 100 बेड का हॉस्पिटल अब 200 बेड का होना चाहिए, तो उसके लिए केंद्र शासन पे राज्य शासन पे इनका प्रस्ताव भी आया हुआ है। मैं तहसीलदार से भी विनंती करूंगा, मैं केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल साहब से भी विनंती करूंगा, मैं ये इलाके के जितने भी विधायक उनसे भी विनंती करूंगा कि 2 एकड़ ज़मीन इस हॉस्पिटल को मिलने के दृष्टिकोण से उन्होंने मदद करनी चाहिए। हम भी एज अ विरोधी पार्टी हैं लेकिन हम भी एक समाज के अंदर काम करने वाले पक्ष के लोग हैं और हम भी अपना दबाव बना के रखेंगे, शासन को विनंती करेंगे कि आईजीएम हॉस्पिटल के विस्तार के लिए, एक्सपेंशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये नर्सिंग कॉलेज भी आएगा, 100 बेड की उपलब्धता भी बढ़ेगी और इसके लिए यहाँ पे ज़मीन होने की आवश्यकता है। मैंने नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंदर केंद्र शासन के माध्यम से पैसे की कोई कमतरता नहीं, स्टेट की तरफ से कोई कमतरता नहीं है, अगर यहाँ पे जगह मिल जाए तो मुझे लगता है कि अपने ज़िले में बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल आईजीएम हॉस्पिटल बन सकता है। और मैं शुभकामनाएं भी दूंगा डॉक्टर माधवी को कि आज ही उन्होंने पदभार स्वीकारा है तो कम से कम उनके कार्यकाल में ये कम से कम ये हॉस्पिटल बने, ऐसी मैं उनको शुभकामनाएं भी दूंगा। कोई भी अगर हॉस्पिटल है या फिर कोई भी एक सिस्टम है तो एक ही सिस्टम से वो रन नहीं होती है, जितनी आवश्यकता ब्यूरोक्रेसी की है, जो हम एक प्रतिनिधित्व करते हैं ब्यूरोक्रेसी का, जो एक नियुक्त गवर्नमेंट से आए हुए अधिकारी है, हमारा काम है कि रूल्स और रेगुलेशन हमारे कर्मचारियों पर नियंत्रण रखना, अच्छे से अच्छा पेशेंट्स को, रुग्णों को अच्छे से सेवा देना, ये हमारा कर्तव्य है। और दूसरी सिस्टम होती है डेमोक्रेसी, जिसके प्रतिनिधित्व हर एक पक्ष के व्यक्ति करते हैं,
तो ये दोनों ब्यूरोक्रेसी और डेमोक्रेसी का अच्छे से मेल होके ही कोई भी सिस्टम, कोई भी हॉस्पिटल हो, वो अच्छे से रन हो पाती है, ना कि एक दूसरे पे उंगली उठा के। तो हमारा मेरा आज पहला ही दिन है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे से अच्छे काम मेरी तरफ से मैं करूँगी, लेकिन उतना ही सपोर्ट अगर डेमोक्रेटिक लोगों से भी अगर हो सकता है, तो हम ज़रूर बहुत अच्छा ये इंदिरा गांधी हॉस्पिटल का रूप बदल देंगे। और मुझे ये बहुत आनंद है कि एक महिला होने के नाते अगर गरोदर जो स्त्रियां हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, माताओं, उनके लिए मैं बहुत अच्छा कुछ काम कर पाऊँगी, तो मेरे लिए ये सौभाग्य का बात है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हमारे महाराष्ट्र के मुख्य प्रवक्ता महेश तपासे साहब ने आज इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल भिवंडी को विजिट दिया और यहाँ पर जो है पेशेंट जितने भी है उनके बारे में उन्होंने पूछताछ किया, मालूमात लिया कि भाई किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है दवाई की या ओपीडी की। यहाँ पे महिलाओं की जो डिलीवरी होती है उसके बारे में मालूमात लिया और पूरे जितनी भी यहाँ की जो मजदूर जनता है उनको कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए उन्होंने हमारे जो महेश तपासे साहब जो राष्ट्रवादी के मुख्य प्रवक्ता है उन्होंने आज इस भिवंडी के अस्पताल को यहाँ पे विजिट दिया और मैं अपनी पार्टी की तरफ से उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने यहाँ की जनता के लिए जो कुछ तकलीफें हैं वो इसके बारे में उन्होंने यहाँ मालूमात लिया के और भिवंडी रुग्णालय के अंदर जो आज 100 बेड का यहाँ पे जो इंतज़ाम है उसको 200 बेड करने के लिए भी इस प्रस्ताव रखा गया है, जिसके लिए पूरी गवर्नमेंट से जो भी मदद होगी वो यहाँ की जो मेडिकल चीफ ऑफिसर है उनको ये मालूमात दिया कि हम जो कुछ भी मदद आपकी कर सकते हैं वो हम करेंगे और इस अस्पताल में और इस भिवंडी की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले मेडिकल बेसिस के ऊपर ओपीडी में, ऐसी उन्होंने यहाँ पे बात। बहुत कामयाब रहा और तपासे साहब जो यहाँ के प्रवक्ता अध्यक्ष थे आए, उन्होंने विजिट किया, बहुत कामयाबी के साथ विजिट हुई। एनसीपी के लोग, डॉक्टर सेल के लोग, सभी लोग यहाँ जमा हुए और पूरे हॉस्पिटल का विजिट करने के बाद नई मैडम जो यहाँ पे आज सीएचओ हुई हैं, यहाँ जो चेयरमैन हैं, वो उनसे हमने कांटेक्ट किया, सीएमओ से और कांटेक्ट किया, उनको हमारी सारी बातें बताई गई, उन्होंने बड़े गौर से सुना। यहाँ पे 200 सिविल हॉस्पिटल के लिए बेड होना चाहिए, इसलिए वो नहीं हो सका है, 100 का बेड है, इसलिए आइंदा हम कोशिश करेंगे कि 200 बेड हो जाए ताकि सिविल का दर्जा, सिविल हॉस्पिटल का दर्जा मिल सके। और हमारी ये कोशिश है, हम इंशाल्लाह बराबर यहाँ के कांटेक्ट करते रहेंगे। तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, एनसीपी, डॉक्टर सेल और सभी लोगों का।